हेलो दोस्तों, आज हम लोग साबूदाना की खीर बनाने वाले हैं। मैं बहुत ही परफेक्ट एकदम आसान रेसिपी लाई हूँ आपके लिए। आपकी जो साबूदाना की खीर है एकदम गाढ़ी बनेगी, क्रीमी बनेगी, रिच बनेगी, एकदम हलवाइयों जैसी बनेगी। और कुछ लोगों की शिकायत होती है कि साबूदाना की खीर फट जाती है, साबूदाना सही से पकता नहीं है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है साबूदाना भिगोया हुआ। अगर आप जल्दबाजी में हैं तो आप 15-20 मिनट के लिए भी साबूदाना को भिगो कर ले सकते हैं, या फिर आप इसे 4 से 6 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। मैंने सिर्फ 50 ग्राम साबूदाना लिया था, यानी कि 2 मुट्ठी के लगभग साबूदाना लिया था, और उसे थोड़े ज़्यादा पानी में भिगोया था। लेकिन जब भी आप खीर बनाने के लिए साबूदाना को भिगोएं तो उसे पहले 1-2 बार पानी से धो लें, क्योंकि बाद में हम जिस पानी में साबूदाना को भिगोएंगे उस पानी को फेंकेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो मैंने साबूदाना लिया है उसे अच्छे से भिगोया है और वो पूरी तरीके से भीग चुका है, एकदम सॉफ्ट है। तो हम इसे बनाएंगे कढ़ाई में, आप किसी भगोने में भी इसे बना सकते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई को चढ़ा लिया है, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। इस तरह से साबूदाना की खीर बनाने में सबसे जल्दी बन जाती है। अगर आप साबूदाना भिगोना भूल गए हैं तो भी इसी प्रोसेस से बनाएं। बस साबूदाना को सिंपली धो लीजिए और पहले थोड़े से पानी में उबाल लीजिए। तो अब मैंने यहाँ भिगोया हुआ साबूदाना डाल दिया है, थोड़ा आधा ग्लास के लगभग पहले मैंने पानी लिया था। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, यानी कुक कर लेते हैं। जैसे जैसे साबूदाना कुक होता है ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी अभी इसमें जो सफ़ेद दाने दिख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो बस जैसे ही ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें दूध डाल देंगे। मैंने इसमें आधा लीटर के लगभग फुल क्रीम मिल्क डाल दिया है। पका हुआ दूध मैंने यहाँ लिया है, कच्चा दूध आप लोग ना लें, कच्चे दूध के फटने की संभावना ज़्यादा होती है। अब हम आँच को मीडियम करेंगे और दूध को एक टेम्परेचर तक आने देंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर तक। साथ ही साथ तब तक इसमें हम डाल देते हैं 8 से 10 केसर स्ट्रैंड्स, सैफ्रन स्ट्रैंड जिसे बोलते हैं, यानी केसर के धागे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, कलर भी आता है, और हेल्थ के लिए भी केसर जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो साबूदाना में जो रिचनेस आती है केसर से, वो किसी और चीज़ से नहीं आती है। लेकिन अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप बिना केसर के भी इसे बना सकते हैं। अब धीरे धीरे जो केसर है अपना रंग इसमें छोड़ती रहेगी, और जो ये खीर है इसे हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। अगर आपने साबूदाना भिगोया नहीं है, कच्चा ही साबूदाना यानी तुरंत लिया है, डायरेक्ट आप बना रहे हैं बिना भिगोए साबूदाना से, तो फिर धीमी आंच में पकाइएगा, क्योंकि पकने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने भिगोया हुआ साबूदाना लिया है मेरी तरह, तब खीर बहुत जल्दी बन जाती है। इसी बीच में हम इसमें 1 से 2 हरी इलायची को कूट करके डाल देंगे। जब साबूदाना की खीर अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी तो स्वादानुसार इसमें हम शक्कर डाल लेंगे। मैंने यहाँ 50 से 60 ग्राम के लगभग शक्कर डाल दी है दोस्तों। अब हम यहाँ मेवे डाल लेते हैं, मेवा डालने की बारी है। धीमी धीमी आंच में पकते हुए इससे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। साबूदाना की खीर में दूध हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही डालना चाहिए दोस्तों, क्योंकि साबूदाना ठंडा होने के बाद बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। मैंने यहाँ पर काजू डाला है, बादाम डाला है, किशमिश डाली है और पिस्ता डाला है। आपके पास में जो भी मेवा उपलब्ध हो या जो आप पसंद करते हो उसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप चाहे तो मखाना भी डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं जो खीर है वो मेरी ज़्यादा उबल नहीं रही है, क्योंकि मैंने इसे धीमी आंच पर ही पकाया है। धीमी आंच पर जब हम खीर को ज़्यादा दूध के साथ पकाते हैं तो दूध जो है वो कड़ता है, यानी कि रबड़ी जैसे फॉर्म में आता है, और धीरे धीरे जो रबड़ी जैसा फॉर्म बनता है ना, उससे जो खीर का टेस्ट है, स्वाद है, वो कई गुना बढ़ जाता है। खीर आपकी जल्दी से ख़राब नहीं होती, फ्रिज में आप 2 दिन के लिए रख भी सकते हैं इसे, और बहुत ही लाजवाब स्वाद आता है। तो बस दोस्तों, इसे हम अभी कुछ देर और पकाएंगे, शक्कर वगैरह डालने के बाद में, ड्राई फ्रूट डालने के बाद। तो अब देखिए जो खीर है वो कितनी बढ़िया गाढ़ी है, यानी कि गैस बंद करने वाली स्टेज आ चुकी है। बस इतना ही पतला रखेंगे, आप देखेंगे कि पूरी तरह ठंडा होने के बाद में ये कितनी गाढ़ी हो जाएगी। गैस बंद करके हमने इसे नीचे उतार लिया है। अभी बहुत गर्म है, पर आप कंसिस्टेंसी ज़रूर नोट कीजिए। देखिए साबूदाना है जो पूरी तरीके से पक चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है, दूध भी अच्छे से गाढ़ा हुआ है,
तो बस अब हो चुकी है खीर हमारी। देखिए दोस्तों ठंडी तो कैसी, ऊपर बढ़िया मलाई जम गई है और कितनी गाढ़ी है। जब हमने इसे गैस से नीचे उतारा था तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही पतली है, लेकिन अगर आप गाढ़ी उतारेंगे तो ये इतनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी कि खीर जैसी नहीं रहेगी। तो अब इसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसमें और बहुत ही बढ़िया कलर तो आप देख ही पा रहे हैं। ऊपर से हम कुछ मेवे से इसे सजा देंगे और हमारी जो साबूदाना की बहुत ही बेहतरीन खीर बनकर दोस्तों तैयार है। वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।